तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी से टर्मिनेट हुए हो, फायर्ड हुए हो या आपने कंपनी छोड़ी है, उसके बाद इन सब रीजंस के बाद क्या आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट्स है, क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है, क्या उस पर कोई भी कंप्लेन ऐसी रजिस्टर्ड होती है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया था कि अगर टर्मिनेट करते हैं तो क्या आधार कार्ड या पैन कार्ड में कुछ ऐसा लिखा होता है या पैन कार्ड के डेटाबेस में कुछ ऐसा लिख देते हैं। तो दोस्त देखो, मैं आपको बता दूं कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 12th स्टैंडर्ड के आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है या व्हाटएवर कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे, तो जब भी आप किसी कंपनी से टर्मिनेट होते हो ना, तो कंपनी आपके सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर पे ब्लैक लिस्ट कर सकती है, कंपनी सिर्फ आपके करियर पे ब्लैक लिस्ट कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आधार कार्ड पे जाके या पैन कार्ड के डेटाबेस में डाल देंगे कि नहीं इस बंदे को, कोई ABC कंपनी है, इस बंदे को मैंने टर्मिनेट किया हुआ है, तो इसका पैन कार्ड अब अप्लाई ना होने देना या पैन कार्ड वहाँ पे नहीं चलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। जो डॉक्यूमेंट्स आपके रियल होते हैं वो रियल ही रहते हैं, आप भले ही आप 2, 4, 6, 10 कंपनी से टर्मिनेट हो जाओ, फायर्ड हो जाओ, लेकिन गवर्नमेंट डेटाबेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं वहाँ पे कोई भी कंपनी आपको जाके ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकती। इनकेस मान लो अभी आप जॉब कर रहे हो किसी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, और आपको टर्मिनेट कर दिया गया और 2-4 साल बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो क्या वो पैन कार्ड के डेटाबेस में वो लिखा हुआ, क्योंकि पैन कार्ड डेटाबेस इन द सेंस कि जो पैन कार्ड होता है वो कहीं ना कहीं तो आपका डेटा स्टोर होता ही है ना, हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन चेक करते हैं, बट उसका डेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास तो होता ही है, तो मीन्स वही कि क्या कोई उस डेटाबेस में जाके छेड़छाड़ नहीं कर सकता या उस डेटाबेस में जाके कोई डाल सकता है कि मैंने इस बंदे को टर्मिनेट किया, मैंने इस बंदे को टर्मिनेट किया, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आपके रियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बट फ्यूचर और करियर की जो मैंने बात करी उसमें ये हो सकता है कि किसी कंपनी ने आपको टर्मिनेट किया, तो हो सकता है जब आपको दूसरी जॉब चाहिए हो, जब आप दूसरी जॉब स्विच कर रहे हो या सर्च कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये तब भी नहीं होता है कि अगर आपको किसी कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, आपको कोई कंपनी जॉब नहीं देगी, तो ये चीज़ भी नहीं होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट जॉब आपको स्टिल मिलती है टर्मिनेट होने के बाद, फायर होने के बाद भी। बाकी आप दोस्तों अगर डेस्कटॉप सपोर्ट, IT सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट की जॉब सर्च कर रहे हो तो नीचे मैंने एक PDF फाइल दिया है, आप चाहो तो वो लिंक चेकआउट कर सकते हो, 99% आपको क्वेश्चंस वही मिल जाएंगे, क्वेश्चन विद आंसर दिए हैं और मेरा एक रिज्यूमे भी है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।